हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी घूमना और खाना पसंद है तो चलो मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं अरावली विला, जो कि एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है और साथ पे हैं बैंक्वेट्स। तो ये जगह है राजोकरी के पास और यहाँ पर ऑब्वियसली बैंक्वेट है तो शादियाँ होती हैं, और साथ में यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ आज मैं आई हूँ, और वही आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इनका फूड कैसा है, और मैं आपको बैंक्वेट भी दिखाऊंगी इनका कि कैसा है और अंदर से कैसा लगता है। एंड दिस इज मी, किसी ने मेरी पिक्चर क्लिक कर दी। लो जी, बाहर हम आ चुके हैं और ये जो मैंने आपको भी राइट साइड में दिखाया, यहाँ पर हमने पार्क किया है कार को, और अब आप देख सकते हो कितना वाइड एरिया है यहाँ पर। तो सामने बहुत खुली जगह है, मतलब पार्किंग वार्किंग का कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, ये मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है, बार भी है इनके पास और बैंक्वेट्स तो हैं ही। ये इनकी मेन एंट्रेंस है और ऊपर जो शैंडलियर लगे हुए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये मेन एंट्रेंस है बैंक्वेट की और इसके लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट है, और एंट्रेंस मैंने आपको दिखा चुकी है। अब हम जाएंगे इसके बाद रेस्टोरेंट, तो चलो एंटर करते हैं। ये हम रेस्टोरेंट में एंटर कर चुके हैं, इन्होंने हमें नमस्कार से ग्रीट किया विच वॉज वेरी प्लीजिंग। और उसके बाद अभी आपने लेफ्ट में एक जो झलक देखी, वहां पे इनका बार है, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो वहां पे बैठकर भी कर सकते हैं, अपने टेबल पर भी मंगा सकते हैं। तो हम तो यहाँ खाने आए हैं, तो चलो खाना ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने मंगा लिया इनके वेज कबाब, जो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो मैं बोलूंगी इसको डेकोरेट करने में और प्रेजेंटेशन में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, 10/10 है इनकी प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और कलाकारी मैंने की है ये आप मुझे बता सकते हो कि कैसी लग रही है। उसके बाद हमने मंगाया ये पनीर टिक्का, जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और देखने में कितना आइस को वो भी लग रहा है ना, अपीलिंग। आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने कैरेट का ये रेड हार्ट बनाया है, ये मैंने खाया था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। और बाकी सब कुछ भी आप देख सकते हो, बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया इन्होंने। उसके बाद हमने मंगाए थे दो मोहितो भी इन स्नैक्स के साथ, जिसमें था एक एप्पल मोहितो, ये पीच कलर का है बट ये एप्पल मोहितो है, ये थोड़ा जो आपको येलो जैसा लग रहा है ये पाइन एप्पल वाला मोहितो है। टेस्ट वाइज दोनों ही बहुत अच्छे थे और रिफ्रेशिंग थे। और अब आ चुकी है खाने की बारी, तो चलो मैं यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ पहले पनीर टिक्का, विच वॉज रियली रियली गुड। टेस्ट में बहुत अच्छा था और ग्रीन चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया इनका ये जो वेज कबाब मैंने आपको दिखाए थे ना, वो ट्राई किए मैंने, और इसको भी जब मैंने ग्रीन चटनी के साथ लगाकर खाया तो टेस्ट वाइज ये भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी अच्छा था। तो फिर काफ़ी सारा अच्छा अच्छा मैंने बोल दिया, तो आप समझ गए होंगे। चलो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो बैंक्वेट्स हैं, हमने खाना ऑर्डर कर दिया और जब तक खाना रेडी होता है मुझे लगता है कि हम बैंक्वेट्स देख लेते हैं। तो इस तरफ से मैंने कहा था ना, वहाँ मेन एंट्रेंस से लेफ्ट लोगे तो रेस्टोरों हैं, और रेस्टोरों में से भी एक रास्ता जाता है जो कि ये बैंक्वेट्स के अंदर है। तो आप देख सकते हो चेयर्स और टेबल्स कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना, बड़ा ही अपीलिंग लग रहा है। एंड दीज प्लांट्स, ये जो ऐसे प्लांट्स रखे होते हैं ना, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, जो बड़े बड़े पॉट्स में प्लांट रखे होते हैं। और मतलब आप आर्टिफिशियल प्लांट्स कितने भी रख लो, बट नेचुरल प्लांट्स की जो ब्यूटी होती है ना, वो अनबीटेबल होती है है ना। एंड एज़ यू कैन सी, काफ़ी अच्छा स्पेस है इनके पास, और जैसा कि आप देख सकते हो ये इनका स्टेज है, और इसमें पिंक जो इसका थीम है ना, मतलब मेजर इज पिंक विच आई लव्ड। तो आपने अभी सुना है यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी हो रही थी, और मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ कुछ तो भैया बहुत अच्छे गा रहे थे, तो आई जस्ट लव्ड। और ये है हमारा फूड स्प्रेड जो आ चुका है, जिसमें है पालक, मशरूम, पनीर की बहुत टेस्टी वाली सब्जी, साथ में इसमें है दाल मखनी जो कि इन्होंने बाल्टी में दी थी एज़ यू कैन सी, ऊपर से ढेर सारा बटर, साथ में लच्छा पराठा है, नान है, पापड़ है, और वॉट एल्स, हाँ ये मिस्सी रोटी है, ग्रीन वाली चटनी है विच आई लव। तो चलो खाने का टाइम हो चुका है और प्लेट मैंने सजा लिए अच्छे से। खाना टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो रोटी मैंने अच्छे से खा ली है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ये दाल चावल पर, एज़ यू कैन सी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है मेरा खाना, और अब थोड़ी सी दाल लेकर साथ में दाल चावल खा।
बचपन से ही हमने दाल चावल बहुत खाए हैं, तो भाई उससे तो मेरा मन का नाता है। तो चलो, खाने पीने के बाद जब तक डिजर्ट ना हो तब तक मज़ा अधूरा रह जाता ना। तो आइसक्रीम और गुलाब जामुन हमने मंगा लिए, तो दोनों ही सुपर फ्रेश थे, टेस्टी थे। एज इन गुलाब जामुन सुपर फ्रेश था, आइसक्रीम तो कुछ टाइम पहले ही बनी होती है, बट वो भी टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी वनीला आइसक्रीम जो मैंने खाई थी। और मुझे वनीला आइसक्रीम ही ज़्यादा पसंद है प्लेन प्लेन। और खा पी के फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बाहर। अब टेस्ट वाइज मुझे खाने में सब कुछ बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक करना, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। और अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हो, या इस वीडियो में या किसी भी मेरी और कोई वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो कुछ अच्छा नहीं लगा हो, तो आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है। प्लीज आप उन्हें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।